हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं खट्टा मीठा सा एक चटपटा सा स्नैक्स, जिसे देखते ही आपके मुंह में भी शायद पानी आ रहा होगा, और जिसे बनाना बहुत ही इजी और सिंपल है और बहुत ही कम समय में बनकर तैयार होता है और बच्चे और बड़े सभी को बहुत पसंद आने वाला है। और ये स्नैक्स बनेगा एक कटोरी मुरमुरे और एक कटोरी हरे मटर से, और बहुत ही जल्दी से बनने वाला स्नैक्स है और सबको बहुत पसंद आएगा। तो ये सब मैं शेयर करने जा रही हूँ आपके साथ अपने इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने फ्लेम पर फ्राई पैन रख दिया है एक, और इसको अच्छे से गर्म होने के लिए, जब फ्राई पैन अच्छे से गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर हम थोड़ा सा सरसों का तेल ऐड कर देंगे। आप जिस भी तरह का तेल इस्तेमाल करते हैं आप वो वाला ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे सरसों का तेल इस्तेमाल किया है, बहुत ही थोड़ा सा। और अब हम इस सरसों के तेल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे एक चौथाई हींग। हींग जब अच्छे से गर्म हो जाएगी तो एक छोटा चम्मच साबुत जीरा ऐड करेंगे। साबुत जीरा ऐड करने के बाद हम इसमें दो से तीन कलियां लहसुन की, जो मैंने बारीक कट करके डाला है इसमें, वो भी ऐड कर देंगे। और एक प्याज बारीक कटा हुआ, उसको भी ऐड कर देंगे। और इसे हम एक मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे अच्छे से। और प्याज को ज़्यादा हमें पकाना नहीं है, सिर्फ एक मिनट के लिए फ्राई करना है अच्छे से। प्याज को जब अच्छे से फ्राई कर लेंगे तो अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे एक कटोरी हरे मटर। तो मटर की मात्रा कोई सीमित नहीं है फ्रेंड्स, आप जितने चाहे उतने ले सकते हैं। तो मेरे पास एक कटोरी मटर थे तो वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं, और इसको भी मैं एक से दो मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लूँगी। और बहुत ही जल्दी से बनने वाला स्नैक्स है फ्रेंड्स, जब भी छोटी मोटी भूख सताए तो आप ये वाला स्नैक्स बना सकते हैं। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे एक छोटा चम्मच भरकर सूखा धनिया पाउडर, और आधा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर। और इसके अंदर हम डालेंगे ऊपर से एक छोटा चम्मच सफ़ेद नमक स्वाद के अनुसार, और एक ही छोटा चम्मच काला नमक टेस्ट के लिए, काले नमक से जो इसका फ्लेवर है और अच्छा निकल कर आता है। और एक से दो छोटे चम्मच हम डाल देंगे चाट मसाला टेस्ट को और बढ़ाने के लिए। और इन सबको भी एक से दो मिनट के लिए हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे, और जल्दी से बनकर तैयार होने वाला स्नैक्स है फ्रेंड्स। और खाने में भी बहुत टेस्टी सा लगता है ये। और जब ये फ्राई हो जाएं तो इसमें हम एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे। और अगर आप बच्चों के लिए स्पेशली बनाएं तो आप हरी मिर्च को अवॉइड भी कर सकते हैं। तो इसके बाद अब हम इसके अंदर इसको हम एक मिनट के लिए सिर्फ ढकेंगे, जिससे जो मटर है वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाएँ। मटर को हमें ज़्यादा गलाना नहीं है, सिर्फ एक मिनट के लिए सिर्फ इतना हमें रखना है कि जिससे ये मटर थोड़े से सॉफ्ट हो जाए और जो उसका जो टेस्ट है वो अच्छे से निकल कर आए मटर का। तो इसीलिए यहाँ पे सिर्फ एक मिनट के लिए कवर करने के बाद मैंने उसे हटा दिया। और इस मटेरियल को हमें कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख देना है। जब ये खूब अच्छे से ठंडा हो जाएगा तो यहाँ पर मटेरियल ठंडा हो चुका है 10 से 15 मिनट के बाद। तो मैंने इसमें एक टमाटर बारीक कट करके डाल दिया है, क्योंकि हमें टमाटरों को इसमें गलाना नहीं है बिल्कुल भी, जो इसका जो फ्लेवर है टमाटर का वो अच्छे से निकल कर आए। और ऊपर से हम ऐड कर देंगे एक कटोरी मुरमुरा, जैसे हम भेलपूरी बनाते हैं ना फ्रेंड्स, उसी स्टाइल में। तो ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो मटर की हम चाट बनाते हैं हम उसको इस तरीके से भी खाना पसंद करते हैं। तो अगर आप इस तरीके से बनाकर आप ट्राई करेंगे एक बारी तो यकीन मानिए आपके घर में सभी को बहुत पसंद आएगा। आप एक बार ज़रा ट्राई कीजिए, और जब बनकर तैयार हो तो आप प्लीज़ मुझे बताइए कैसे बना। तो इसमें अब हम ऊपर से डाल देंगे आधा नींबू निचोड़ के अच्छे से, जो इसका रस है उसमें डाल देंगे, तो जिससे जो इसका खट्टापन है और अच्छा लगेगा खाने में। तो ये खट्टा और चटपटा सा नाश्ता बनकर तैयार हो रहा है फ्रेंड्स। तो खट्टा और चटपटा तो अच्छा लगेगा नहीं, तो अब हम इसके अंदर थोड़ी सी इमली जो डालेंगे, इमली की चटनी यानी कि। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास इमली की चटनी है यहाँ पे बनी बनाई, जो रेडीमेड आती है, तो वो मैं थोड़ी सी ऐड कर दूँगी इसके अंदर, जिससे जो इसका फ्लेवर है बहुत ही अच्छा निकल कर आएगा, यानी कि खट्टा मीठा और चटपटा सा जो टेस्ट है वो निकल कर आएगा। और खाने में एकदम ऐसा लगेगा जैसे हम बाज़ार या मार्केट से ख़रीद के लाए हैं ये भेलपूरी मटर वाली, तो बहुत ही टेस्टी लगता है फ्रेंड्स ये खाने में। अब हम इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और ये तैयार हो गया हमारा खट्टा मीठा
और चटपटा सा स्नैक्स। जब छोटी मोटी भूख सताए फ्रेंड्स, तो जल्दी से बनने वाला ये स्नैक्स है। और जल्दी जब भी घर में आपके घर में मुरमुरा पड़ा हो, आप इसको एक बार बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए। और यकीन मानिए, बहुत ही टेस्टी लगेगा, आपके बच्चों को और बड़ों को, सभी को बहुत पसंद आएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करें। देखिए, एक चम्मच आपके लिए, आप भी खाइए और बताइए कैसा बना। और अच्छा लगा हो तो एक लाइक कीजिए। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स। और कुछ भी कमियां हैं या कुछ भी और इसमें आप अच्छा चाहते हैं तो आप मुझे वो भी सुझाव दे सकते हैं, ताकि मैं उसमें सुधार कर सकूं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आपको कैसे लगा ये खट्टा मीठा चटपटा सा स्नैक्स? मिलती हूँ आपके साथ नई वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।